సిద్దిపేట పట్టణంలో గల స్థానిక కోటిలింగేశ్వర దేవాలయంలో జరపబడుతున్న శ్రీ అతిరుద్ర మహాయాగ కార్యక్రమంలో భాగంగా మూడవ రోజు శ్రీమత్ కాశీ జగద్గురు జ్ఞాన సింహాసనాధీశ్వర శ్రీ 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 చంద్రశేఖర శివాచార్య మహాస్వామి వారిచే శ్రీ గురుసిద్ధ మణికంఠ శివాచార్య స్వామి వారి పర్యవేక్షణలో వీరశైవ ఆగమ పండితులచే మహాన్యాసపూర్వక రుద్రాభిషేకం నిర్వహించారు. అభిషేక కార్యక్రమంతో పాటు యాగ సమయంలో కూడా అధిక సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొన్నారు. देव यज्ञ भगवान ने हमको मानव जन्म दिया, लेकिन मानव का जीवन कैसे होना चाहिए, दैनंदिन रीति रिवाज कैसी होनी चाहिए, इसको जो सिखाता है उसी का नाम ऋषि है. गुरु आचार्य अर्चक के सब उसी कैटेगरी में आते हैं. हमारे जीवन के मार्गदर्शन करने वाले जो ऋषि महर्षि होते हैं, उनके पूजा करना, उनको गौरव समर्पित करना हमारा जो दूसरा यज्ञ है उसका नाम ऋषि यज्ञ है. लेकिन हम इस भूलोक में आने के लिए बिना माता पिता हम किसी का जन्म नहीं होता है. भगवान कृपा करने पर भी माता पिता के कृपा के बिना हमको जन्म नहीं मिलता है. इतना अमूल्य जन्म प्रदान करने वाले जो माता पिता होते हैं उनके प्रति गौरव करना, उनके आदर आतिथ्य करना, वृद्धावस्था में उनकी सेवा करना. भगवान ने स्वतः कहा है मातृदेवो भव पितृदेवो भव. भगवान की पूजा करो न करो लेकिन माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए, इसलिए उसका नाम पितृयज्ञ है. चौथा है नरयज्ञ, लेकिन इसको इस यज्ञ की शांति होगी लेकिन जठराग्नि की शांति कैसी होगी. ऐसी जब आनंदय्या को चिंता हुई, उन्होंने आर्य वैश्य समाज के भक्तों के सामने सब विषय रखा. हम तो अग्नि को तृप्त कर सकते हैं लेकिन जनता को तृप्त कौन करेगा. हमें अपार हर्ष है यहाँ के आर्य समाज आर्य वैश्य समाज के प्रति. उन्होंने दृढ़ संकल्प किया इस यज्ञ समारोह में हजार लाखों लोग आने पर भी उनको तृप्त करने का काम हमारा, ऐसे उन्होंने जवाबदार ले लिया. इसलिए इसको कहते हैं नरयज्ञ. एक मनुष्य करने वाले कार्य को दूसरा मनुष्य सहाय करना चाहिए, परस्पर सहयोग से कार्य होता है. आनंदया एक आदमी है, वेद शिरोमणि है, चतुरुद्रीय परिषद को बना करके कई साल से लोक कल्याण का काम कर रहे हैं. महास्वामी जी के जन्मदिन के निमित्त 12 साल उन्होंने सेवा किया है, लेकिन उनके वाणी में एक शक्ति है.